हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ आम की फिरनी शेयर कर रही हूँ, जो हम उपवास में खा सकते हैं, स्पेशल उपवास के लिए। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। मैंने यहाँ आधा छोटी कटोरी ली है समा के चावल। नवरात्रि के लिए हम फिरनी बनाएंगे, आम की फिरनी। इसे हम अच्छे से धो लेते हैं साफ पानी से। ये देखिए, समा के चावल को मैंने साफ पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है। इसे हम मिक्सी में हल्का सा ग्राइंड कर लेते हैं। गैस पर मैंने यहाँ आधा लीटर दूध लिया है। दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसे हम बॉईल कर लेते हैं। समा के चावल मैंने यहाँ मिक्सी के जार में डाल लिया है। इसमें थोड़ा सा हम दूध डाल देंगे ग्राइंड करने के लिए। मैंने यहाँ उबला हुआ दूध डाला है, ठंडा है। उबला हुआ दूध ठंडा करके फिर डाला है। हल्का सा ग्राइंड कर लेते हैं इसे। देखिए, बिल्कुल दरदरा ग्राइंड किया है। बिल्कुल हल्का सा ग्राइंड करना है, एक बार घुमा के फिर छोड़ देना है। आप देख सकते हैं, अच्छे से ग्राइंड हो गया है। ये देखिए, दूध में उबाल आ गया है। ग्राइंड किए हुए समा के चावल को हम इसमें डाल देंगे। इसे तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा थिक नहीं हो जाता। इसे छोड़ना नहीं है, हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। इसमें गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए, ये ठीक होना चाहिए। ये देखिए, काफ़ी ठीक होना शुरू हो गया है। इसी स्टेज पर हम इसमें चीनी डाल देते हैं। आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल लें, जितना मीठा पसंद करते हैं। मैं यहाँ 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। चीनी को अच्छे से घोल लेंगे। मैंने यहाँ एक आम लिया है, आम को रफली चॉप कर लिया है। इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है, दूध भी हमारा ये देखिए ठीक हो गया है। ये देखिए, काफी ठीक हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम आम का पल्प। अब इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। देखिए, अच्छे से ठीक हो गया है। गैस की फ्लेम को मैं ऑफ कर रही हूँ। मैंने यहाँ गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। थोड़े डालेंगे हम इसमें ड्राई फ्रूट्स। थोड़े हमने ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दिए हैं, अच्छे से मिक्स कर देंगे। मेरे पास यहाँ आम था जो थोड़ा येलो कलर का है, ऑरेंज कलर में नहीं है, इसलिए इसका कलर इस तरह का येलो आया है। आम आप बड़ा ले, छोटा मत ले बिल्कुल भी, नहीं तो फ्लेवर नहीं आएगा आम का। इसलिए आम थोड़ा बड़ा साइज का ले। ये देखिए, अब इसे हम बॉल में निकाल लेते हैं। एक बॉल में निकाल लिया है। इसके ऊपर थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे हम। थोड़े डालेंगे हम आम के पीसेस। थोड़े डालेंगे इसके ऊपर हम पिस्ता। ये देखिए, हमारे उपवास में खाने वाली आम की फिरनी बनकर रेडी है। खाने में बहुत टेस्टी लगती है, इसे ठंडा करके खाएं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।